सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का पहला क्वालिफायर व सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई और चेन्नई की टीम के बीच में चेन्नई के चैपॉक स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला एक ऐतिहासिक मुकाबला है। जो कोई भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह सीधा आईपीएल 2019 के फाइनल में अपनी जगह को पक्की कर लेगी। और अब अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में सबसे पहले टॉस जीतकर चेन्नई की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि यह मुकाबला चेन्नई की टीम के ही गढ़ में खेला जा रहा है। तो सब यह अनुमान लगा रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाएगी, लेकिन दोस्तों लगता है कि इस मैच की शुरुआत से ही आज चेन्नई की टीम की किस्मत उनके साथ नहीं थी। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की 37 तो वहीं अंबती रेड्डू की 42 रनों की धीमी पारी के चलते चेन्नई जैसी मजबूत टीम भी आज मुंबई की टीम को केवल 132 रनों का छोटा लक्ष्य ही दे पाई, जिसके बाद सबको मैदान में यही लग रहा था कि अब मुंबई की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम जो कि जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम के कप्तान रोहित शर्मा पारी की दूसरी ही गेंद पर LBW आउट हो गए थे, जिसके बाद उनका विकेट केवल 4 रनों पर ही गिर गया। साथ ही इस टीम के धुआंधार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक भी 12 गेंदों में 8 रन लगाकर आउट हो गए और वह हरभजन सिंह का शिकार हो गए थे। हालांकि इसके बाद मैदान में मुंबई इंडियंस की टीम के मिडिल ऑर्डर के धुआंधार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन के साथ मिलकर एक बेहद ही बड़ी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए जुटा दी। इस दौरान आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने तो अपना अर्धशतक तक पूरा कर लिया था। साथ ही आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 14वें ओवर तक अब चेन्नई की टीम को कोई विकेट नहीं मिला था और लगभग मुंबई की टीम इस मुकाबले को जीत ही चुकी थी। परंतु मैच का असली रोमांच तो बन गया पारी के 14वें ओवर की 5वीं गेंद से। आपको बता दें कि 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर पहले तो इमरान ताहिर ने ईशान किशन को बोल्ड कर दिया और फिर अगली गेंद पर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खिलाड़ी कृणाल पांड्या को उन्होंने केवल 0 के स्कोर पर ही कॉट एंड बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि चेन्नई की टीम की इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी होने वाली है, परंतु फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इस समय मुंबई की टीम के सबसे धुआंधार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर इस मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि मैदान में आते ही पांड्या ने बड़े शॉट्स लगाए और मुंबई की टीम को अब जीतने के लिए महज 22 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। मुंबई की टीम पांड्या की इस बल्लेबाजी के चलते मुकाबले को 90% तो वहीं जीत चुकी थी। साथ ही इसके बाद मैदान में आगे चलकर सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई और हार्दिक पांड्या के द्वारा बड़े शॉट्स न लगाने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को आसानी से विजयी बना दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से इस मैच के सुपर हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने केवल 54 गेंदों का सामना करके 71 रन बना दिए थे। साथ ही मिडिल ऑर्डर के इस बल्लेबाज ने आज अपनी टीम के लिए मुकाबले को खत्म किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। चेन्नई की टीम को हराकर मुंबई की टीम अब सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है। साथ ही इस मुकाबले में भी मुंबई की टीम ने चेन्नई को 10 गेंदे शेष रहते हराया। इसके बाद अब मुंबई की टीम के लिए सभी दरवाजे खुल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की टीम अब खतरे के दायरे में पहुंच चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि अब केवल एक मुकाबले में और हार और चेन्नई की टीम आईपीएल 2019 के टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने एक फैसला ऐसा भी लिया था जो कहीं ना कहीं अब सबको खटक रहा है। धोनी का यह फैसला चेन्नई की टीम को इतना भारी पड़ गया कि आज चेन्नई की टीम एक बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। दोस्तों अक्सर मैदान पर देखा जाता है कि चेन्नई की टीम जब भी संकट में पहुंचती है तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी टीम के लगातार विकेट्स गिरता हुआ देख खुद ही मैदान पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद से पहले मुरली विजय व अंबती रेड्डू जैसे बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ जब चेन्नई की टीम के 4 बड़े विकेट्स गिर चुके थे तब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। साथ ही तब तक पारी के 13 से 14 ओवर भी खत्म हो चुके थे। ऐसे में धोनी ने 3 से 4 ओवर तो क्रीज पर सेट होने के लिए और उसके बाद वह भी बड़े शॉट्स लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। दोस्तों कहीं न कहीं इस मुकाबले में अंबती रेड्डू ने भी धीमी पारी खेली और मुरली विजय ने तो 26 गेंदों का सामना करके केवल 26 रन ही बनाए। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं धोनी के इस फैसले ने चेन्नई की टीम को एक बड़ा लक्ष्य बनाने में पूरी तरीके से रोक दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अब अगले मुकाबले के लिए धोनी को किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, 3रे या फिर 4थे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।